आपको बताओ, जहां महादेव सट्टा ऐप में सरगना जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएई में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर, इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत कार्रवाई हुई है और सौरभ को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सौरभ चंद्राकर को जल्द भारत लाया जाएगा। तो महादेव बेटिंग ऐप के मालिक को इंटरपोल ने दुबई में डिटेन किया है और भारत लाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। महादेव बेटिंग ऐप केस में भारत की जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल ने डिटेन कर लिया है, जिसके बाद उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को एक हफ्ते के अंदर भारत लेकर आ सकती है। बताया जा रहा है कि इंटरपोल ने सीबीआई को सूचित किया है, जो नोडल एजेंसी है। बता दें कि इस मामले में ईडी ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर का डी कंपनी से भी कनेक्शन सामने आया था। देश के कई राज्यों में महादेव ऐप के खिलाफ केस दर्ज है। ईडी ने भी महादेव ऐप को लेकर शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि इससे पहले 2023 में भी सौरभ चंद्राकर को दुबई में हिरासत लेने के बाद घर में नजरबंद किया गया था। केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2023 को महादेव बेटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। जावेद